साथियों, एक कहावत है, यस नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारतीय संस्कृति में जो महिलाओं का जो योगदान है, यद्यपि उतनी वैल्यू नहीं की जाती है जितनी करनी चाहिए, और आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं हो जाती हैं। महिलाएं कितने व्रत रखती हैं, कजरी तीज, करवा चौथ, ढेर सारे व्रत घर के लिए, कितनी त्याग तपस्या रहती है महिलाओं की। और महिलाएं जो हैं पति को ही परमेश्वर मानती हैं। खैर, इस पर एक छोटी सी स्टोरी समझ में आई तो मैंने कहा आपको सुनाई जाए। कभी कभी स्टोरी मन से बना भी लेता हूँ, तो आज मैंने एक स्टोरी खुद बनाई। लिखता नहीं हूँ, मन में आ जाता है सब बोल देता हूँ, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। कहानी एक राजा की, उसने दूसरे राज्य पर अटैक कर दिया, अफरा तफरी मच गई, बिल्कुल हाहाकार मच गया। भाई जब अटैक होता है तो सबको जान के लाले पड़ जाते हैं। राजा ने कहा कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं को कुछ भी नहीं कहेंगे, महिलाएं चाहें तो अपना सामान जो है लेकर चली जाएं, सबसे कीमती सामान, और इसके लिए उनको 3 दिन का समय दिया जाता है। समझ ले साथियों, अब प्रश्न था महिलाओं के सामने कि क्या किया जाए। कोई भी महिला रहती है तो अकेले तो रहती नहीं है, परिवार के साथ रहती है। महिलाएं सोचने लगी क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, और बाकी परिवार का क्या होगा, पति का क्या होगा। उसमें एक बुद्धिमान महिला थी, उसने कहा चलो अपने पतियों को कंधे पर बिठा कर ले चलते, जब राजा कुछ कहेंगे तो हम निपट लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। अब चूंकि कोई रास्ता तो था नहीं है, औरतों के सामने जो है और कोई रास्ता तो बचता नहीं है पति को छोड़कर। आज भी ऐसी लेडीज़ हैं बेचारी गरीब, मैं देखता हूँ कि आदमी दारूबाज होता है, अय्याश होता है, लेकिन बेचारी सब कुछ सहती रहती हैं, कुछ नहीं कहती हैं। मेरी महरीन भी है, उसको देखता हूँ, उसका आदमी 2-3 बार जेल हुआया, दारू पीता है, सलायासी भी करता है, लेकिन जो है पति को परमेश्वर मानती हैं। भारतीय संस्कृति में आज भी ये चीज़ बहुत अच्छी है, जो विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। खैर, बात कर रहा था मैं कि महिलाओं ने क्या किया कि अपने पतियों को कंधे पर उठा कर ले जाने लगी। राजा के सैनिकों ने राजा को बोला जाकर कि आपने आदेश दिया था कि सभी जो है महिलाएं जो हैं अपना सबसे कीमती जेवर लेकर चली जाएं, और वो तो उसकी जगह अपने पतियों को कंधे पर बैठा के लिए जा रही। राजा को बात कुछ समझ में नहीं आई, कहने लगे जाओ, जो वहाँ उन औरतों की जो लीडर हो या जो भी हो, जो बुद्धिमान लेडी है, उसको बुला कर लाओ। 20 औरतों का एक ग्रुप आया तो राजा ने कहा कि मैंने तुमको क्या आदेश दिया था। एक जो सबसे बुद्धिमान महिला थी उसने कहा था आपने आदेश दिया था कि आप जो है सबसे कीमती चीज़ उठा कर ले जाइए। तो राजा ने कहा हमारे सैनिकों ने तो बताया है कि तुम पतियों को चुपके से कंधे पर उठा कर ले जा रही हो। उस जो बुद्धिमान लेडी थी जिसका दिमाग था, उसने कहा भाई हम लोग पूजा पाठ सब करते हैं, कितने व्रत रखते हैं, हमारे लिए तो सबसे मूल्यवान चीज़ हमारे पति है। वो आपने कहा था कि अपने
सबसे जो मूल्यवान चीज़ है उसको ले जाओ। तो हम तो आपके आदेश का पालन कर रहे हैं। राजा बहुत खुश हो गया और कहने लगा किसी प्रजा को डरने की ज़रूरत नहीं है, सब महिलाएं जितने भी लोग हैं कहीं छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है और यहीं रहते रहें आराम से। और इस तरह जो है ये घटना है कि महिलाएं जो हैं पति को सबसे ज़्यादा मानती हैं। हमें भी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, जहाँ मिले साथियाँ मिलता हूँ।